जनपद में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास मनाया गया। शाही ईदगाह मैदान पर और फैजाम में एक साथ 15 मिनट के अंतराल पर नमाज अदा की गई। लाखों की तादाद में पूरे जनपद में कम से कम, जहां तक शहर की बात है, 20 बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की। सुबह से ही लोग अपने घर से तैयार होकर मस्जिदों की ओर निकल गए थे और सबने अल्लाह से दुआ मांगी। शहर काजी प्रोफेसर जैनुल साजिद ने ईदगाह में नमाज अदा कराई और दुआ कराई। सबने देश के अमन अमान और सुख शांति के लिए दुआ की, साथ में बीमारी के लिए, जो कोरोना जैसी बीमारी से अल्लाह बचाए, इसकी भी दुआ की गई। पूरे शहर में ये व्यवस्था की गई थी कि मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए और सड़कों पर नमाज ना हो। लेकिन क्या हुआ, कहीं कहीं जब नमाज का वक्त आया, लोग मस्जिद के अंदर नहीं पहुंच पाए, तो जिनको जहां जगह मिली वहां नमाज पढ़ी। फिलहाल नमाज पूरी शांतिपूर्ण रही। SSP प्रभाकर चौधरी, DM दीपक मीणा अपने प्रशासनिक कार्यालय में रहे, जबकि आबू लेन पर ADG राजेश अग्रवाल, IG प्रवीण कुमार वहां रहे। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था थी, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात थी, लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। बच्चे भी आए थे, बड़े भी आए थे, हर कोई अल्लाह से दुआ मांग रहा था, क्योंकि 30 दिन का रोजा इस भयंकर गर्मी में जिस तरह से उन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। अल्लाह उनकी दुआ मांग सुनेगा। और इस हिसाब से वो आए थे यहाँ पर कि हमको अल्लाह से अपनी दुआ मांगें, अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए। कैमरामैन किशन सुदन साथ, ज्ञान प्रकाश, जलवाहिनी न्यूज़।